जी हमारी इसलिए ये मजबूरी होगी बोलना क्योंकि तख्त श्री हजूर साहेब नांदेड़ के अंदर जिस तरह से सरकार ने हस्तक्षेप करना शुरू किया, पहले पटना साहब में अपने 3 मेंबर उन्होंने डीएम के माध्यम से बनाकर वहां पे कब्जा करने की कोशिश की, तब भी सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने अमित शाह जी से बोलकर और उनको रुकवाया, और अब हजूर साहब के अंदर जो अमेंडमेंट करके सरकार अपना प्रेसिडेंट लाना चाहती है और ये बताना चाहते हैं कि अब सरकार प्रधान तख्त का बनाया करेगी, ये किसी भी सूरत में सिखों को बर्दाश्त नहीं है। दुनिया भर के सिखों के अंदर इसको लेके रिवोल्ट और रिजेंटमेंट है, इसलिए आज मिनोरिटीज फील कर रही हैं, क्यों सरकार हमारे पे कब्जा करना चाहती है, क्यों हमारे धार्मिक स्थानों पे इंटरवीन करना चाहती है, इंटरफेयर करना चाहती है, जबकि मास्टर तारा सिंह जी का और जवाहरलाल नेहरू जी का 1959 का क्लियर पैक्ट है कि किसी भी सूरत के अंदर हमारे गुरुद्वारों के अंदर सरकार दखलंदाजी नहीं दे सकती। आज हम इसलिए मजबूर हैं ये बोलने के लिए, हमें अलायंस चाहिए नहीं है, हमें कुर्सियां नहीं चाहिए, हम एमपी का एमएलए का सबका त्याग दे सकते हैं अगर सरकार ने ये अपनी दखलंदाजी बंद नहीं की। हमारे लिए गुरुद्वारों के अंदर दखलंदाजी बंद कराना जरूरी है। श्रोमणी अकाली दल हो चाहे दुनिया भर के सिख हो, आज इस बात को लेकर खफा है जिस तरह से बीजेपी की इंटरफेरेंस गुरुद्वारों में हो रही है। हम इसलिए बड़ा स्पष्ट कहना चाहते हैं, हमारे लिए अलायंस से ऊपर उठकर, कुर्सियों से ऊपर उठकर, एमएलए एमपी से ऊपर उठकर हमारे धार्मिक स्थान हैं और इनके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे लिए अलायंस की कोई अहमियत नहीं जहां गुरुद्वारे की सेवा की बात आ जाए और सरकार की दखलंदाजी की बात आ जाए।